मांगों को लेकर फिर धरने पर बैठे रहे। रिपोर्ट देखें। आमतौर पर धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है, लेकिन अब ये महज औपचारिकता मात्र रह गया है। सदन के दूसरी ओर धरना स्थल पर दर्जन भर संगठन फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय रसोईया संघ, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन, जेटेट, वित्तरहित शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, अनुशंसित अभ्यर्थी शिक्षक हजारों की संख्या में एक बार फिर राजधानी पहुंचे। उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10,000 सेविका को और 8,000 सहायिका को बढ़ाएंगे और जो भी आपके 9 सूत्री मांग है उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन आज पौने 2 साल होने जा रहा है सरकार ने वो वोट्स को छीन लिए। हालांकि मॉनसून सत्र है और माननीयों के लिए सुव्यवस्थित विधानसभा में कई व्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी बारिश के बावजूद भी भीगते हुए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कई संगठनों ने दो टूक कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की गलती मौजूदा सरकार दोहरा रही है। एक वर्ष हो गया प्रशासनिक आयोग का गठन हो गया, उसका अध्यक्ष बना के देवाशीष गुप्ता बुलाइए, लेकिन आज तक वो मुख्यमंत्री का शासन कालोक में प्रशासनिक आयोग का कोई मामला हमारा नहीं गया। सदन में भले पक्ष विपक्ष के विधायक मंदिर मस्जिद पर व्यस्त हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एक तरफ जहां सदन हंगामेदार चल रहा है, वहीं सड़क पर भी शोर हो रहा है। आपको बता दें कि दर्जन भर से भी ज्यादा संगठन धरना स्थल पहुंचे हैं और एक ही टूट में उन्होंने कहा है कि रघुवर सरकार यानी पूर्व सरकार की इसी रवैये की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसे मौजूदा सरकार को समझना चाहिए। अपने सहयोगी मंटू यादव के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।